हेलो बच्चों, वेलकम टू अरस्तु बायोलॉजी। तो बेटा, आज का जो हमारा क्लास है ना, आप लोगों को लेक ऑपेरॉन हम सिखाने वाले हैं। देखो, अगर आप लोगों को मेरा इस तरह का वीडियो पसंद होता है तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, मेरा क्लास है बेटा यहाँ पर उर्दू बाजार में अरस्तु बायोलॉजी नाम से, और आज हम लोग लेक ऑपेरॉन वाले सिस्टम को देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह काम होता है। देखो, एक्चुअली क्या था कि इस वाले सिस्टम में हम लोगों को जैकब और मुनार साहब ये बताना चाह रहे हैं कि अपना जीन कैसे रेगुलेट करता है और किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये बताने के लिए उन्होंने क्या किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया। तो देखो होता क्या है। अच्छा, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि हमारे पास तो सारा पूरे बॉडी में सेल्स है और सारे सेल्स में डीएनए भी एक जैसा है ना, फिर सबका काम अलग अलग कैसे होता है। लीवर को कैसे पता चलता है हमको बाइल बनाना है, पैनक्रियाज को कैसे पता चलता है हमको इंसुलिन बनाना है, ये पता कैसे चलता है उसको, ये इसी को तो कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्लियर? तो वो अपने आप को रेगुलेट करती है अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए जैकब और मुनार, नाम याद रखोगे, दो व्यक्ति हैं जैकब और मुनार, तो हम लोग एकदम क्लियर करेंगे बेटा, आज इस वाले टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। जैकब एंड मुनार, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ये दो व्यक्ति मिलकर के क्या किए, 1965 में एक प्रयोग किए, एक पूरा जो है ना प्रयोग करके हम लोग को दिखाए कि हाँ भैया ऐसा काम करता है अपना जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, 1965 का वक्त था, इन लोगों ने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया पे काम किया। उससे पहले कि हम लोग प्रयोग करें, पहले उनको देखें, उस प्रयोग को देखें, उसमें क्या इन लोगों ने बताया है, इससे पहले इसको समझो, इसका मतलब समझो, ठीक है। तो ये लेक ऑपेरॉन सिस्टम किसके द्वारा दिया गया, जैकब और मुनार के द्वारा 1965 में। याद रखोगे बेटा, लेक का मतलब यहाँ पे लैक्टोज से है, किससे है, लैक्टोज से। अब ये लैक्टोज क्या होता है, इसको हम लोग बेटा मिल्क शुगर कहते हैं, नाम याद रखना, क्या कहते हैं इसको, मिल्क शुगर कहते हैं, मतलब मिल्क में, दूध में यही वाला शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। और ये जो लैक्टोज है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, सुनो किसे किसे, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। तो लैक का मतलब तो आपको समझ में आ गया, लैक का मतलब लैक्टोज, और लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है। ये कैसे बना हुआ होता है, तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से बना होता है। ओके, इतना डन रहा। ऑपेरॉन क्या है, व्हाट इज ऑपेरॉन, तो ऑपेरॉन बेटा क्लस्टर ऑफ जीन है। क्लस्टर ऑफ जीन कहे तो एक जीन का समूह है जो किसी खास फंक्शन को करने के लिए तैयार रहता है, किसी खास को काम को ये करता है। तो ऑपेरॉन क्या हो गया, एक क्लस्टर ऑफ जीन हो गया, या फिर आप कह सकते हो एक ग्रुप ऑफ जीन जो एक खास काम को करेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ऑपेरॉन यहाँ पे इस तरह से। तो ऑपेरॉन में कौन कौन सा जीन है ये भी तो देखना है ना, क्या क्या कौन कौन सा जीन है भाई, क्या क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा। तो पहले हम लोग ऑपेरॉन के बारे में और थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो ऑपेरॉन में बेटा याद रखना है, PIPOZYA, सॉरी यहाँ पे हम लोग स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है, ZYA, ये तीन जीन हो गया इधर और इधर हो गया। तो ये सब मिलकर के क्या बनता है, ऑपेरॉन सिस्टम बनाता है। और अभी हम लोग कौन सा ऑपेरॉन सिस्टम पढ़ रहे हैं, लैक्टोज ऑपेरॉन यानी लैक ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ लो। तो P का मतलब क्या है, तो P4 है प्रमोटर। प्रमोटर अगर आप लोग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हो तब फिर समझ में आता होगा व्हाट इज प्रमोटर। ओके बेटा, I4 एक जीन है, आई एक ऐसा जीन है जो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। P4 अगेन क्या है, प्रमोटर है। ओके, O4 ऑपरेटर है। जेड जीन है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम लोग लेके चलते हैं। ये जो ZYA है ना, ये बेटा अपना स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। ओके, तो ZYA को मिला करके हम लोग क्या नाम देंगे, स्ट्रक्चरल जीन। अब ये जो
जीन है ZYA, इन तीनों के काम पे ही हम लोग का पूरा लेक ऑपेरॉन चलेगा। अगर ZYA काम करेगा तो बोलेंगे स्विच ऑन कंडीशन है, ZYA काम नहीं करेगा तो बोलेंगे स्विच ऑफ कंडीशन है। ठीक है, अब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ ये भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले समझो ये जो ZYA है ये किस तरह का जीन है और किस तरह का एंजाइम्स बनाने वाला है। तो बेटा ये जो जेड है ना, ये जेड बनाता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, बीटा ग्लाइकोसाइडेज। वाई जीन बनाता है परमीएज, ए जीन बनाता है ट्रांस एसिटिलेज, ट्रांस एसिटिलेज। इतना क्लियर हुआ? P4 प्रमोटर, I4 रिप्रेशर प्रोटीन बनाने वाला, P4 प्रमोटर अगेन, O4 ऑपरेटर, और ये ZYA क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें Z बनाएगा बीटा ग्लाइकोसाइडेज, Y बनाएगा परमीएज और A बनाएगा ट्रांस एसिटिलेज। ये तो हो गया एंजाइम्स का बात। काम क्या है आप बोलोगे ना मैम, ये सब जो बन रहा है, ये सारा जो एंजाइम्स बन रहे हैं इन सबका काम क्या है, किस वक्त ये लोग काम करेगा? तो बेटा देखो ये तीनों ही काम करेगा लैक्टोज की उपस्थिति में, यानी मिल्क शुगर की उपस्थिति में ये तीनों काम करेगा। तो आप बोलोगे मैम अगर मिल्क शुगर ना रहा तो तब इसको स्विच ऑफ रहना होगा। ठीक है, तब इसको क्या रहना होगा? स्विच ऑफ रहना होगा। जब मिल्क शुगर है ही नहीं यानी लैक्टोज नहीं है तो ये चुपचाप बैठा रहेगा, इसको ऑफ रहना है। लेकिन अगर मिल्क शुगर है, लैक्टोज है, तो ये क्या होगा? स्विच ऑन कंडीशन होगा, ये बनेगा और क्या काम करेगा? तो ये भी सुनो, ये जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज है बेटा, ये काम करता है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने का, लैक्टोज को तोड़ने का, किसमें? ग्लूकोज और लैक्टोज में। क्लियर? परमीएज क्या करता है? तो परमिट देता है यानी परमिशन देता है। किसको परमिशन देगा? लैक्टोज को अंदर आने, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर। ट्रांस एसिटिलेज क्या करता है? तो बेटा ट्रांस एसिटिलेज हेल्प करता है लैक्टोज को तोड़ने में। क्लियर है? ट्रांस एसिटिलेज क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ने में हेल्प करेगा, किसका? बीटा ग्लाइकोसाइडेज का। इतना समझ में आ गया? तो एक तरह से इसको कह सकते हो हेल्पर, हेल्पर। इतना क्लियर है? देखो P4 प्रमोटर, I4 रिप्रेशर, P4 प्रमोटर, O4 ऑपरेटर, ZYA स्ट्रक्चरल जीन जो इस तरह का एंजाइम्स बनाएगा, और इस पूरे ग्रुप को एक क्लस्टर ऑफ जीन, यहाँ पे देखो एक से अधिक जीन है ना, और ये सब मिलकर के क्या काम कर रहा है? लेक ऑपेरॉन सिस्टम बना रहा है, और ये लैक्टोज की उपस्थिति या अनुपस्थिति में वर्क कर रहा है। समझ आ रहा है? उपस्थिति या अनुपस्थिति में वर्क कर रहा है। तो बताओ बेटा, यह सब मिल करके एक ही काम पे नहीं लगा है? तो जब क्लस्टर ऑफ जीन है, एक ही काम को कर रहा है, इसी को ऑपरॉन कहते हैं। क्योंकि ये लैक्टोज की उपस्थिति में वर्क कर रहा है और अनुपस्थिति में अपने आप को रोक रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लेक ऑपरॉन सिस्टम। इतना सा क्लियर हो गया? चलो आगे डन करते हैं हम लोग, कि ये सारा काम अपने जैकब और मुनाड कहाँ पे देखे थे? बैक्टीरिया में। कौन सा बैक्टीरिया? तो ई कोलाई बैक्टीरिया। तो फटाफट से हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया को ड्रॉ करते हैं। चलो देख लो, ये है ई कोलाई बैक्टीरिया। बड़ा गया, ये कौन है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया में अपना खुद का DNA है, आपको मालूम है इसके पास खुद का DNA है ना, सर्कुलर DNA होता है, खुद का है DNA। लेकिन ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है बेटा, ये फिलहाल मेरे चीनी और पानी का जो शरबत था ना, उसमें बेचारी गिर गई है। आप सोचो चीनी पानी के शरबत में गिर गई है तो वहाँ इसको क्या मिलेगा? हटाओ चीनी पानी का शरबत, हटाओ, ग्लूकोज हम बना करके रखे थे और उसमें गिर गई, तो ग्लूकोज तो सीधे ही ग्लूकोज है, ओके। तो वहाँ पर ये गिर गई है, वहाँ पर ये चली आई। अब बेचारी चारों तरफ इसको क्या मिल रहा है, जल्दी से बताओ? ग्लूकोज मिल रहा है कि नहीं? ग्लूकोज मिल रहा है ना? हाँ, बोलोगे हाँ मैम, ग्लूकोज तो इसको सीधे ही मिल रहा है, बनाने का क्या जरूरत है इसको, सीधे ग्लूकोज मिल रहा है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि जब इसको सीधे ग्लूकोज मिल रहा है बेटा, तो क्या इसको इन तीनों का जरूरत है? जल्दी से बताओ, इसको सीधे ही ग्लूकोज मिल रहा है। अभी चीनी पानी घोल में गिर गई, सीधे ग्लूकोज मिल रहा है। देखो ग्लूकोज का जरूरत तो सबको है,
क्या होता है कि हम सबको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कैसे हम लोग बनाते हैं, एटीपी के रूप में, और एटीपी करवाने के लिए, एटीपी के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो वही ग्लूकोज तो इसको भी चाहिए। अब सोचो कि यहाँ पे ये जो तीन स्ट्रक्चरल जीन था, ये क्या काम कर रहा था, लैक्टोज को तोड़ने का, लैक्टोज को बुलाने का, लैक्टोज के तोड़ने में हेल्प करने का। तो बताओ, अब यहाँ पे बताओ, ये बैक्टीरिया सीधे ही ग्लूकोज में गिरी हुई है, लैक्टोज नहीं है आसपास, लैक्टोज रहेगा तब ना उसको, लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और लैक्टोज में बांटेगी और फिर ग्लूकोज का यूज करके ये एनर्जी बनाएगी, ऐसा होगा तब ना। इसको सीधे मिल रहा है, बताओ तो बेकार का झंझट करने का जरूरत है नहीं, इसको झंझट करने का जरूरत नहीं है। तो इस समय में अपना जो बेटा ये तीनों एंजाइम है, ये तीनों जो जीन है, इसको क्या होना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए। तो अब बोलोगे हाँ मैम इसको तो स्विच ऑफ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्विच ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। बस यही तो हम लोग देखेंगे कि स्विच ऑफ हुआ कैसे, इसके डीएनए पे कैसे जोर लगा कि अभी हमको इन तीनों जीन को नहीं बनाना है, इसके डीएनए को कैसे पता चला, रेगुलेट ही अपने को कैसे कर रहा है, यही तो समझना है ना। तो चलो समझ लेते हैं, देखो चलो हम लोग देखते हैं कि इसका डीएनए के एक भाग में इस तरह का ऑपेरॉन लेक ऑपेरॉन जीन है, कुछ अच्छा है ना, कुछ अच्छा समझते हैं लोग। मान लो अपने बैक्टीरिया के डीएनए का ये पॉपुलर वाला जीन है, ये डीएनए है, और कैसा जीन है इसमें, लेकोपेरॉन वाला जीन है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन कौन सा जीन है आपको पता है, कौन कौन सा जीन है, पी आई पी ओ पीपो, और प्लस में क्या है, जेड वाई और ए, हम पढ़ा कोई ए इतना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपनी जो बैक्टीरिया है ये कहाँ है, सीधे ही ग्लूकोज में है। तो बेटा बताओ जल्दी से, इन तीनों को जरूरत है, बोलोगे नहीं ना इन तीनों को जरूरत नहीं है, जब हमको सीधे ही खाना मिल रहा है तो खाना बना के फिर खाने की क्या जरूरत है, हमको थाली में परसावा मिल ही रहा है ना, तो काहे मेहनत करें हम, नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेगा, तो क्या करेगा, इसको कैसे रोकेगा, इन तीनों को कैसे बनने से रोकेगा। तो होगा क्या कि देखो यहाँ पर सबसे पहले परमोटर पे अभी कौन सा कंडीशन पड़ रहा है, स्विच ऑफ कंडीशन पड़ रहा है बेटा। परमोटर पे कौन आके बैठेगी, तो परमोटर पे आके बैठ जाएगी अपनी सुंदर सुंदर सी आरएनए पॉलीमरेज, कौन आके बैठेगी, आरएनए पॉलीमरेज आके बैठेगी। आपको पता ही है ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हो, तो प्रमोटर पे ही अपनी आरएनए पॉलीमरेज पड़ती है, बैठती है, वहीं से काम स्टार्ट करती है। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही बैठी वहाँ से किस ओर निकली, आगे की ओर निकली, जैसे ही आई जीन पर गई तो ये आई जीन एक एमआरएनए बनाया, ये एमआरएनए से एक प्रोटीन बना जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है, ये रिप्रेशर प्रोटीन बेटा फटाक से दौड़ के जाएगी और ऑपरेटर पे बैठ जाएगी, ऐसी चढ़ के बैठ जाएगी, बोलेगी अब तो हम चढ़ के बैठ गए, अब हम किसी को यहाँ आने नहीं देंगे, खिसकने नहीं देंगे किसी को। अब देखो जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज जीन आई को बनाई, जीन आई से एमआरएनए बनाई, वो रिप्रेशर प्रोटीन बनाया, और फटाक से रिप्रेशर प्रोटीन किस पे जाके बैठ गया, ऑपरेटर पे चढ़ के बैठ गया। अब सोचो जब तक मैं ये ऑपरेटर पे चढ़ के बैठा है तब तक मैं अपनी जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ कहाँ आ गई है, दूसरे वाले प्रमोटर पे आ गई है, तब तक मैं दूसरे वाले प्रमोटर पे आ गई, यहाँ से आगे बढ़ना चाह तो रही है लेकिन ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये रास्ता छेद के रख लिया, बोला हम जाने नहीं देंगे तुमको, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम आगे जाओगे तो जेड वाई ए को बनाओगे, काहे के लिए मेहनत करोगे जब हमको सीधे ग्लूकोज मिल रहा है, तो क्यों मेहनत करोगे, हम नहीं करने देंगे तुमको मेहनत, ऐसा सीधा एकदम। तो ये जो है ना थोड़ा सा बोलती है कि चलो हमको थोड़ा बढ़ा दो, तो इस केस में क्या होता है बेटा, इतना सब कुछ तो जेड वाई ए पूरी तरह से तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में जेड वाई ए भी बन जाता है, कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जेड जीन भी बन जाता है, और बेटा वाई भी बनता है, वाई से भी बनता है, वाई जीन भी बनता है, और अपना ए जीन भी बनता है, कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बनता है। अब बहुत कम मात्रा में बनकर के ये साइड में बैठा रहता है, तो
सोचो अभी इसका कोई काम नहीं ना है, तो ये तीनों बंद करके कहाँ बैठ गया, साइड में घर के कोने में। अब देखो क्या होता है कि घर में अगर एक्स्ट्रा खाना बन गया, ज़्यादा खाना बन गया, तो पहले जो बना हुआ उसको ख़त्म करते तब ना उसको खाते हैं, तो उस वाले खाने को जो नया खाना बना उसको क्या करते हैं, थोड़ा फ्रिज में रख देते हैं कि थोड़ा बाद में खाएंगे, शाम में खाएंगे। तो वही जो है कुछ मात्रा में जेड वाई ए बन गया था, कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ये जो रिग्रेशन प्रोटीन है ये आगे बढ़ने नहीं दे रही थी आरएनए पॉलीमरेज को, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करने पर थोड़ा सा आगे बढ़ने दी और उसी थोड़े से में बेटा जेड वाई ए बन गया कुछ मात्रा में और बन करके रखा गया, स्टोर हो गया। कौन कौन? तो बीटा ग्लाइकोसाइटेज बन गया, परमीएज बन गया और ट्रांस एसिटिलेज बन गया। ये तीनों बन करके बैठा रहा, इसका कोई काम ही नहीं है। तो ये अभी किस, अभी फिलहाल किस रूप में रहा? जेड वाई ए पूर्णता नहीं बना था, तो कंडीशन कैसा था? स्विच ऑफ कंडीशन। बोले ठीक है, स्विच ऑफ कंडीशन हुआ, नहीं इन तीनों का कोई जरूरत पड़ा, बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब क्या हो, जबकि बेटा अपना जो डीएनए, सॉरी अपना जो बैक्टीरिया है ना, अपना जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसको सीधे सीधे ग्लूकोज ना मिले और ये दूध के पूरे बर्तन में गिर जाए, दूध के बर्तन में चला आए। अब सोचो दूध के बर्तन में चला आया, इसको ग्लूकोज कहीं पे मिलेगा या लैक्टोज मिलेगा? अब बोलोगे ना ग्लूकोज तो मिलेगा नहीं, दूध में ग्लूकोज नहीं होता है, अभी तो हम चीनी मिलाए नहीं थे दूध में, ऐसे ही रखा हुआ है दूध, तो ग्लूकोज तो नहीं होगा, तो क्या होगा? लैक्टोज होगा इसके पास। अच्छा, अब इसके पास तो लैक्टोज है, अब ये बेचारी क्या करे, अब तो ये पेट में फंस जाएगी ना, क्योंकि इसको तो ग्लूकोज चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, हमको ग्लूकोज मिल नहीं रहा है इसको। अब ये क्या करेगी? लैक्टोज को लेगी। अब आया ना कंडीशन, कौन सा वाला? स्विच ऑन कंडीशन आया, क्योंकि अब जरूरत पड़ गया बेटा हमको इन तीनों एंजाइम्स का, ये तीनों जीन्स का, सॉरी इन तीनों जीन्स का अब जरूरत पड़ गया। तो फिर से इसको ड्रॉ करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कैसे इसको जरूरत पड़े। यहाँ पी, यहाँ फिर से आई, फिर से ओ, फिर सॉरी पी और फिर ओ, फिर क्या है जेड एंड देन वाई, वाई और ए, ए पी, ये फिर से ऑपरेंट सिस्टम आया। देखो ये आई जीन हमेशा काम करते रहेगी, फिर से आएगी, कौन बैठेगी? देखो इन लोगों का काम फिक्स है, कुछ हो ना हो इन लोग अपना काम करेगा। तो अपना जो है ना आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज आएगी, सॉरी आया नहीं, आई, आरएनए पॉलीमरेज आई, प्रमोटर पे बैठी, प्रमोटर बोला भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ी, इस पे गई, आई पे गई। अच्छा आसपास में अभी फिलहाल क्या है, कौन सा कंडीशन है? स्विच ऑन कंडीशन है, आसपास में ग्लूकोज नहीं है, आसपास में लैक्टोज है, तो इन तीनों का जरूरत है ना जरूरत, इन तीनों का जरूरत है। तो ये क्या हुआ, आई जीन अगेन इसका जो काम है बेटा वो करेगी, वो रुकेगी नहीं। ये आई जीन एमआरएनए बनाई, ये एमआरएनए क्या बना रहा है? रिप्रेशन प्रोटीन, रिप्रेशन प्रोटीन बना रहा है। सुनो रिप्रेशन हम ऐसे बना रहे थे यहाँ पे, तो रिप्रेशन प्रोटीन यहाँ बन गया, ये बन गया रिप्रेशन प्रोटीन। अब आपको पता है रिप्रेशन प्रोटीन का क्या काम है? रिप्रेशन प्रोटीन का काम है यहाँ जाके बाइंड करना, लेकिन चूंकि मेरी आपको पता है कुछ मात्रा में पहले से ही बन के बैठा हुआ था, कौन कौन? बीटा ग्लाइकोसाइटेज कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में परमीएज बैठा हुआ था और कुछ मात्रा में अपना ट्रांस एसिटिलेज बना हुआ था। तो जब परमीएज पहले से ही कुछ मात्रा में बैठा हुआ था, तो कुछ मात्रा में वो आसपास में क्या था? लैक्टोज ही लैक्टोज था। तो ये परमीएज क्या करता है? थोड़े से लैक्टोज को एंट्री दे देता है कि भैया हम इतना सा, मेरा पास इतना परमिशन है, तुम थोड़े से आ जाओ। तो जैसे ही कुछ मात्रा में भी लैक्टोज आता है, वो फटाक से रिप्रेशन प्रोटीन पे जाके चढ़ के बैठ जाएगा, इसको रोक देगा, नहीं तुम आगे मत जाओ, तुम जाकर के इसका रास्ता ब्लॉक मत करो, क्योंकि रास्ता अगर ब्लॉक करोगे तो फिर हमारा जो काम है ना, हमारा जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो तो मर जाएगा, उसको तो चाहिए ग्लूकोज है ना। अब ग्लूकोज तो है नहीं आसपास, तो लैक्टोज को तोड़ना होगा, इसीलिए कुछ मात्रा में लैक्टोज आता है और रिप्रेशर पे बैठ जाता है, इसको इंड्यूशर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूशर। तो इंड्यूशर का काम कौन किया? तो अपना लैक्टोज किया। अब लैक्टोज को कुछ मात्रा में कौन अंदर आने दी? परमीएज आने दी। परमीएज कब बनी थी? तो जब ग्लूकोज का केस चल रहा था उसी समय थोड़ी सी परमीएज बन के बैठी हुई थी। तो जैसे ही देखी ना परमीएज कि आसपास में लैक्टोज है, बुला लो सबको,
जितना सा परमिशन है उतना सा को बुला लो। जैसे ही लैक्टोज अंदर आया फटाक से रेगुलेटर पे चढ़ के बैठ गया, नहीं तुमको बैठने ही नहीं देंगे, तुम बैठोगे तो वो तीनों कैसे बनेगा। तो इसको बैठने ही नहीं दिया और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अपना आरएनए पॉलीमरेज एकदम मजे में इन तीनों को बनाएगा, जेड को भी वाई को भी ए को भी, और यहाँ से बनेगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, है ना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक यानी पॉली राइबोसोम का निर्माण होगा और तीन तरह के एंजाइम्स बनेंगे और वो तीन तरह के एंजाइम्स अपना काम स्टार्ट कर देंगे। जानते ही हो बीटा लैक्टोसाइटेज लैक्टोज को तोड़ना स्टार्ट करेगा, परमीएज फटाफट से परमिट देगा, अंदर आते जाओ और ये तोड़ते जाएगा, और ट्रांस एसिटिलेज हेल्पर का काम करेगा, इनका हेल्प करेगा। ये तो रहा अपना पूरा लैक ऑपेरॉन सिस्टम। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ कंडीशन अपने पास अपने डीएनए के पास ऑलरेडी होता है, इसको अपने से मेंटेन करना होता है कि कब कैसा कंडीशन है और किस तरह से अपने आप को मेंटेन करें। तो कुछ ऐसे जीन्स हैं बेटा जो हमेशा काम करते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अभी लिबरेशन प्रोटीन ये आई जीन से बन रहा था, ये हमेशा काम कर रहा है लैक्टोज की उपस्थिति में भी और लैक्टोज की अनुपस्थिति में भी, कभी ये रुकता नहीं है, हमेशा इसको काम करना है। तो रोकने वाला कौन है, तो रोकने वाला अपना लैक्टोज है। वो जैसे ही एंट्री किया ना तो इसको रिट्रेशर को रोक दिया इंड्यूसर बन के और फिर काम आगे बढ़ा दिया, बोला जाओ काम करो। तो ये तो रहा पूरा लैक ऑपेरॉन का पूरा सिस्टम। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो बेटा तो सब्सक्राइब करो अरस्तु बायोलॉजी को, और आगे अगर किसी तरह का वीडियो आपको चाहिए एनसीईआरटी से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करो और बताओ मेरे को।